दोस्तों, अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमुद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहाँ हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेंद्र, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तो
तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांस रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए
1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के सात मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के साथ मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांस रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे।
होंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक ही फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है।
तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहां पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेंद्र, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए
1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो निर्देशक रोहित शेट्टी की यह फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेंद्र, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहाँ हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे।
होंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमुद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेंद्र, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमुद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहाँ हंसी, एक्शन, रोमांस सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तो
तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के साथ मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांस रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के साथ मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका रायजादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है।
तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहां पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहाँ हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे।
होंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमुद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमुद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है, और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जेकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तो
तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो आरडीएक्स कहां पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के साथ मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांस रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए
1993 में बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम और एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया कटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल कुमद मिश्रा और उमर हफीज जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के सात मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है। रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी एक्शन रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक ही फ्रेस बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के सात मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूं कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी सूर्यवंशी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 5 नवंबर 2021 में रिलीज की गई एक्शन एंड क्राइम मूवी सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, निहारिका राय जादा, रणवीर सिंह, निकितेन धीरे, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सोफिया खान, अभिमन्यु सिंह, विवान भतेना, पलक सिंह, हेलेन शास्त्री आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 36% तक की फ्रेश बताया है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाली मूवी है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे कहने पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी रोहित शेट्टी की है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 में बॉम ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपने डॉक्टर पत्नी रिया, कैटरीना कैफ और बेटे से भी आगे रखता है। वे मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे ऐसे बम ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बिलाल, कुमद मिश्रा और उमर हफीज, जैकी श्रॉफ की तलाश है, जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में असल में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि अभी तक 600 किलो RDX मुंबई में ही कहीं छुपा कर रखा है। तब सूर्यवंशी इसमें लग जाता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, और तहकीकात करते समय सूर्यवंशी ये पता लगा लेता है कि ये 600 किलो RDX कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाली नामों से बसा कर रखा है, उन्होंने हरकत में लाकर वे मुंबई के 7 मुख्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर है, रोहित ने उसे मैसेज को ध्यान में रख कर बनाया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर सेकंड हाफ आप मनोरंजन के ऐसे राउंड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में
फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर इस हिंदू मुस्लिम एकता को भाईचारा के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।